आज तो बहुत खुश होंगी ये। सारी की सारी सैलरी जो उनके हाथ में दूंगा। आ गया। हाँ जी आ गया, ये लो बैग रखो। अच्छा जी, चाय लाऊं या कॉफी? अरे कहाँ खो गए? अरे कुछ नहीं, कॉफी कॉफी लूंगा कॉफी। देखो ठीक देखता हूं, आज गुस्सा दिखाती है या प्यार, पहले पति या पैसा। है। आज तो हथेली में खुजली हो रही है, सैलरी बुला रही है। लीजिए कॉफी। थैंक यू। सुबह ना मुझे जल्दी जाना है, तो सुबह जल्दी नाश्ता बना देना, ठीक है? ठीक है, बस और कुछ तो नहीं कहना आपको मुझसे? हाँ नहीं, और क्या कहना है? वो ना, मुझे चुन्नू के बर्थडे पर जाना था, तो मुझे साड़ी चाहिए थी उसके लिए। कि सैलरी तो मिली होगी ना? सैलरी? नहीं सैलरी तो नहीं मिली आज। वो बॉस कहीं एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं, तो उन्होंने बोला एक हफ्ते बाद आऊंगा तभी दूंगा सैलरी। क्या, एक हफ्ता? हाँ तो बर्थडे कैंसिल? वो तो मर्जी है आपकी। मालिक का फोन। हेलो जी मालिक। अरे विकास, सुबह जल्दी आना, तुम्हें कंपनी के काम से बाहर जाना है। ओके सर, चलो अब सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी निकलना है। ठीक है शकील। सुबेरे सुबेरे इसकी सुननी पड़ेगी मुझे, लेकिन क्या करूं, कहाँ है यो? जी भाईजान। दो तो कंबल है, दो रजाई है, तीन दुतई है, 40 नेकर है, 35 बलियान है और 55 मेरी पैंट है। और सुन तेरी बो हाँ, बताओ बताओ भाईजान, क्या बात होगी? तेरी भाभी की भी साड़ी है 13-14। अरे भाईजान, पूरी बारात के लगते मुझसे धुलवाओगे क्या? सुन रहे, अपने काम तक काम रख, लत्ते धुआई के पैसे दू मैं, समझ गया? पहले तो यहां से हाथ हटा, मैं भी लत्ते धोने के पैसे लेता हूँ, खैरात नहीं लिया करता। और सुन, आज के बाद किसी और को देख लियो, समझा? यार संजीव, नू तो बता, इतने सारे लत्ते कौन धो करेगा अगर यो इन्हें भी ना धोए? अरे शकील भाईजान भाईजान, आप तो खामखा गुस्से में हो गए। अरे अबे तुम बात ऐसी करते हो? भैया गलती हो गई मुझसे। गलती? गलता? हाँ शकील भैया, चलो गलता ही सही, अब कपड़े तो ले जाऊंगे। कपड़े तो ले जाएंगे, लेकिन हाँ प्यार से। ओ भाई जान ठीक हाँ है। आलकिन दोबी। आलकिन, अरे आ रही हूँ,
बाथरूम में हूँ, नहा रही हूँ। ए भगवान, कोई चैन से नहाने भी नहीं देता। मालकिन धोबी, ये लीजिए। मालकिन, चार लगते हैं ये। हाँ हाँ ठीक है। मालकिन, थोड़े पैसे मिल जाते वो ना, मेरी बहन का निगाह रहा है नजदीक। पैसे? पैसे तो वही देंगे आपको, मैं बोल दूंगी उनसे। ठीक है ठीक। बताओ जी, वो धोबी पैसे मांग रहा था, और उधर मुझे बर्थडे में भी जाना है। इनका पैसों का कुछ अता पता ही नहीं, इनकी सैलरी नहीं मिली अभी तक। कहें तो क्या कहें। हेलो यार, कब से फोन बजा रहा हूँ, कहाँ हो तुम? अरे नहा रही थी, फोन को के बाथरूम में लेके जाती क्या? हाँ बताओ क्या बात है। मेरे जो कल के कपड़े हैं ना, उनमें सैलरी है। लेकिन आप तो कह रहे थे। अरे हाँ यार, कह रहा था, लेकिन सुबह जल्दी आ गया, बताना ही भूल गया। मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे। वो कपड़े तो मैंने धोबी को दे दिए। बस तो आ गई साड़ी। ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। इतने पैसे? अरे ये पैर तो आकाश बाबूजी की है। पहले लगते क्या पैसे? पहले पैसे क्या लगते? मैंने शकील, पहले पैसे। हाँ चल शकील। अरे शकील कहाँ जा रहा भाई? अरे अभी आ 10 मिनट में। धोबी के तो आज मजे आ गए होंगे। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मालकिन पैसे, ये ना आकाश बाबूजी की पैंट से मिले मुझे। तो तुम्हें ये कपड़े चेक करने चाहिए था यहाँ पे, ऐसे ही मुंह उठा के चले गए। मालकिन ये काम तो आपका है ना, हमारा काम तो कपड़े लेने हैं, धोने हैं, फिर प्रेस करने हैं, फिर आपको देने हैं। बस मैंने चेक किया, मुझे पैसे मिले, मैं आपको देने आ गया, और आप मुझे ही। सही कह रहा है ये, इसका काम है कपड़े ले जाना और धोना, ना कि चेक करना। कपड़े आपको चेक करने चाहिए थे, और भला हो इस इंसान का तो कि लेके भी आ गया, वरना इतने पैसे देखते तो किसी का भी मान डोल जाए। आपकी सैलरी और शकील, इन पैसों में तुम भी हकदार हो। मालिक ये सारे पैसे मेरे पास थे, लेकिन मैं तो अपनी ईमानदारी आपके पास लेके आया हूँ, और मालकिन ने। और हाँ दोस्तों, हर कोई बंदा शकील के जैसा नहीं हो सकता,
तो आप सावधान रहें और सतर्क रहें। मैं आकाश तोमर अपनी टीम के साथ, जय हिंद जय भारत। बातों बात ठीक है भाई जी आपकी। अरे शकील। हाँ भाई। अरे हमारे भी लगते धोने हैं, उनका क्या सोचा तुमने? अरे सोच लेंगे, फिलहाल तो यहाँ ठीक है भाई।